संसार द्वारा अनेकों प्रयास किए जाने के बाद भी पर्यावरण पर संकट बढ़ता जा रहा है, जिसका असर मनुष्य की आयु पर भी पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम आपदाएं भी बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण पर्यावरण को ठीक प्रकार संभालने में चूक हो जाना और सही दिशा में प्रभावशाली प्रयासों का न हो पाना। ऐसी स्थिति के जारी रहते धरती से मानव की विलुप्त होने की आशंका बढ़ गई है। ये बात पर्यावरणविद आचार्य रतनलाल वर्मा ने हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। संसार द्वारा अनेकों प्रयास किए जाने के बाद भी पर्यावरण पर संकट बढ़ता जा रहा है, जिसका असर मनुष्य की आयु पर भी पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, मौसम भी बदल रहे हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम आपदाएं भी बढ़ रही हैं। धरती के आकार प्रकार में बदलाव की आशंका बढ़ सकती है। इसका बड़ा कारण पर्यावरण को ठीक प्रकार से संभालने में चूक हो जाना और सही दिशा में प्रभावशाली प्रयासों का न हो पाना। ऐसी स्थिति के जारी रहते धरती से मानव की विलुप्त होने की आशंका बढ़ गई है। ये बात पर्यावरणविद आचार्य रतनलाल वर्मा ने हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। गौरतलब है कि विश्व मंच को छूते महत्वपूर्ण नए शोधों निष्कर्षों एवं उत्कृष्ट कार्यों को उजागर करती हाल ही में प्रकाशित आचार्य रतनलाल वर्मा की पुस्तक पर्यावरण समाज एवं नए शोध इंटरनेट पर उपलब्ध करवा दी है, जिसे ratanlalvarma.in पर इसमें निशुल्क पढ़ा जा सकता है। पुस्तक में पिछले 3 दशकों 1990 से प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें शोध निष्कर्ष एवं उच्च कोटि के कार्यों को उजागर किया गया है, जो शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पुस्तक का कॉपीराइट आचार्य रतनलाल वर्मा के पक्ष में कर दिया है और ISBN नंबर भी अलॉट कर दिया है। पर्यावरणविद आचार्य रतनलाल वर्मा ने कहा कि पर्यावरण को सही तरीके से संभाला नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में भी बदलाव आ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। मनुष्य के जीवन के लिए खतरा पैदा हो रहा है और कई जगहों पर मनुष्य की आयु भी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के बिगड़ते हालातों के चलते मनुष्य के लिए जो आवश्यक तत्व है वो नहीं मिल पाएंगे और कुछ ही समय में जीवन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण समाज एवं नए शोध पुस्तक में मनुष्य को बचाने के सुझाव पुस्तक में दिए हैं और साथ ही संसार को इसे अपनाने की भी अपील की है। इसके सही अर्थ में ठीक से समझा नहीं जा रहा है, यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों प्रयास करने पर भी दुनिया द्वारा पर्यावरण आगे से आगे ध्वस्त होता चला जा रहा है और यही नहीं मौसम आगे पीछे हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग अपेक्षा से अधिक बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य का जो अस्तित्व है इस धरती पर उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। बहुत सी जगह मनुष्य की आयु कम होनी शुरू हो गई है। धरती का जो बैलेंस है जो उसका जो पोल्स हैं वहाँ से बर्फ पिघली है ग्लोबल वार्मिंग के पार और एक बड़ा लोड वहाँ से माइग्रेट होते नीचे चला जा रहा है। उससे धरती के आकार और प्रकार में फर्क पड़ेगा और साथ ही उसके जो पोल हैं ध्रुव हैं उसके झुकाव में फर्क पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो विश्व का जो टाइम है वो बदलेगा, ऋतुएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। आज ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि धरती जो हमारी जो डेवलपमेंट है आगे आने वाले टाइम में वो रुकेगी, क्योंकि हमें ना तो शुद्ध पानी मिल पाएगा, ना शुद्ध एयर मिल पाएगी, ना जो दूसरे खनिज पदार्थ हैं वो भी मिल पाएंगे, ना ही दूसरे ज़िंदगी के जो ज़रूरी चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं इंसान को ज़िंदा रहने के लिए वो ही मिल पाएंगी। और यदि ये सब कुछ हो गया तो धरती पर इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा और धरती से जो मनुष्य है वो बैनिश हो जाएगा। मैंने यूनो को भी लिखा है कि भाई धरती को इंसान के अस्तित्व पर अब खतरा है और उसको बचाया जाए और बचाने के तरीके भी उन्हें बताए हैं। 2011 में भारत सरकार को भी मैंने लिखा था, उनका जब उन्होंने विदेश मंत्रालय को लिखा वो भी जवाब मेरे पास आया और मैं किताब लिखी पर्यावरण समाज एवं नए शोध इन्वायरमेंट सोसाइटी एंड मॉडर्न रिसर्च, उसमें मैं सारी बातें लिखी हैं और इंसान को बचाने के लिए भी तरीके लिखे हैं और संसार से अपील की है कि वो उन तरीकों को 10 साल के अंदर अपनाने की कोशिश करें ताकि धरती से इंसान बच सके। यही नहीं मैंने किताब भी लिखी है, उसमें मैंने अपनी ई बुक बना दी है और इसको इंटरनेट पर डाल दिया है ताकि लोग बिना पैसा खर्चे उसको पढ़ सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें और वो इंटरनेट पर ratanlalvarma.in पर उपलब्ध है और निःशुल्क उसको पढ़ा जा सकता है।